हेलो स्टूडेंट, आई एम आशीष सर फ्रॉम इंपीरियल अकेडमी ऑफ साइंस, योर मैथ टीचर। ओके, अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमने प्रीवियस क्लास में लॉगरिथम के बारे में देखा था, हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे क्लास नंबर्स, आप मुझे बताइए, आपको मैंने प्रॉपर्टी कितनी बताई है? 3 प्रॉपर्टी बताई। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 में देखिए, देखो जैसे यहाँ लॉग बेस ए यंग प्लस लॉग बेस ए यंग इक्वल्स लॉग बेस ए यंग इंटू यंग, ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है ना, अब आप मुझे बताइए, इस प्रॉपर्टी को पढ़ने के पहले मुझे कुछ बेसिक बताना पड़ेगा। अब देखो, बेसिक में क्या होता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैं प्रूव करके बताने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? प्रूव करके बताने वाला हूँ। देखो जैसे आप ध्यान दीजिए, लॉग बेस ए यंग इक्वल्स लॉग बेस ए यम इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, लॉग बेस ए यम इक्वल्स टू अल्फा। अब आपको क्या करना है, ये जो ए है, अगर आपने इसको इस साइड अगर लेके आए तो यहाँ पे क्या हो गया, यम इक्वल्स टू, ठीक है ना, यम इक्वल्स टू ए टू द पावर, यहाँ पे देखो ए टू द पावर अल्फा। ठीक है ना, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलरली लॉग, ठीक है, ए टू लॉ बेस ए, लॉ यन बेस ए इक्वल्स टू बीटा। मैंने क्या लिखा, देखो लॉ यन बेस ए इक्वल्स टू बीटा। अब आपको क्या करना है, ये जो ए है इसको इस साइड लाइए, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, देखो यन इक्वल्स टू ए टू द पावर बीटा, यन इक्वल्स टू ए टू द पावर बीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 पढ़ो, इसको मैंने क्या पढ़ा, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, यम इंटू यम इक्वल्स, अब आप मुझे बताइए यम की वैल्यू क्या दिया, ए टू द पावर इंटू, ठीक है, और आपको यम की वैल्यू दी है ए टू द पावर बीटा। आपको बताया गया, आपको क्लास 8 में कुछ आइडेंटिटी, ठीक है ना, एक्सपोनेंट फॉर्म में। अब अगर सपोज इन दोनों का यहाँ पे जो पावर है, ठीक है, ये बेस है, इन दोनों का पावर देखो, पावर अलग अलग, बेस तो इक्वल है, तो यहाँ पे क्या है, यम इंटू यन इक्वल्स टू ए टू द पावर अल्फा प्लस ए टू द पावर अल्फा प्लस बीटा। अब से अब आपको क्या करना है, ये अगर सपोज ए को आपने अगर वापस अगर उसी जगह पे ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो लॉग बेस ए यम इंटू यन इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, देखो लॉग बेस ए यम इंटू यन इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा अगर सपोज आपको बोला, ठीक है, अब आपको वैल्यू अगर पुट करेंगे तो लॉग बेस ए यम इंटू यन इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। अब आप मुझे बताइए अल्फा की वैल्यू क्या है, लॉग बेस ए यम प्लस, ठीक है, अब आपको बीटा की वैल्यू देखनी है, बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, लॉग बेस ए यम। ठीक है, ये जो आपका आंसर निकला है, ये जो आपको प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है, ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी नंबर लिख लीजिए, प्रॉपर्टी नंबर लिखो। अब इसके ऊपर के कुछ इलस्ट्रेशन लेता हूँ समझने के लिए, क्योंकि हम बाकी तो बाद में करने ही वाले हैं, बस सिर्फ जस्ट एग्जाम्पल कुछ लेने वाले। ओके, ठीक, अब देखो हम कुछ इलस्ट्रेशन लेते हैं, ध्यान प्रॉपर्टी नंबर 4। देखो जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो लॉग, ठीक है, जैसे यहाँ पे लॉग बेस ए, ठीक है, 25 प्लस लॉग बेस 10 4, ठीक है, मैंने क्या लिखा, देखो लॉग बेस 10 25 प्लस लॉग बेस 10 4। अब अगर आप इसको सॉल्व करना है, तो जैसे लॉग बेस 10,
आपको अभी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख के रखी है, तो जैसे लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एम, इसका क्या हो सकता है, जैसे हम लॉग बेस 10 20 बाई लॉग बेस 10 20, यहाँ पे होता है 25, ठीक है, आपका आंसर आ गया है लॉग बेस 10, ठीक है। अब आप मुझे बताइए 25 इंटू 4 कितना हो सकता है, देखो 25 इंटू 4 आपका आंसर आएगा 100। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, इस यहाँ पे आप ऐसे तो कर सकते हैं, देखो लॉग, ठीक है, ध्यान दीजिए, देखो प्रॉपर्टी होने इसकी प्रॉपर्टी है, बट अगर प्रॉपर्टी नहीं पड़ी है हम, ठीक है ना, तो देखो जैसे यहाँ पे 100 है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, देखो जैसे लॉग बेस 10 के 100 की जगह लिखता हूँ मैं 10 इंटू 10, चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए लॉग बेस 10 इंटू 10 कितना होता है 100। अब आप अगर लॉग बेस 10 को अगर अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा लॉग बेस 10 प्लस लॉग बेस 10। अब आप मुझे बताइए, देखो बेस वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल है, ठीक है, देखो लॉग 10 बेस 10, लॉग 10 बेस 10, मींस यहाँ पे इसका आंसर 1 प्लस 1, आपका आंसर क्या आ गया, लिखो, ठीक है। हाँ अब लिख लीजिए, लिखो, हो गया, ठीक है। अब देखिए और एक इलस्ट्रेशन लेता हूँ, लॉग, ठीक है, 25 लॉग, सॉरी लॉग 10 लॉग 10 बेस 25 प्लस लॉग, ठीक है, लॉग 10 बेस 25 प्लस लॉग 10 सॉरी यहाँ पे 50 और यहाँ पे लिखिए 2 बेस 25, ये सॉल्व करेंगे, हाँ इसका आंसर क्या आता है, देखो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा पता है, यहाँ पे अगर लिख रहे हैं जैसे यहाँ तक आप अगर इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा पता है क्या, लॉग 25 इक्वल्स 50 इंटू 2, ठीक है। अब आप मुझे बताइए लॉग 25 इंटू 2 अगर सब आपने बोला है तो यहाँ पे हो गया 100। आप मुझे बताइए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं यहाँ, लॉग 25 इंटू 4 हो सकता है, 25 इंटू 4 इस। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग, ठीक है, यहाँ पे होगा 25 बेस 25 प्लस लॉग 4 बेस 25, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व अगर करेंगे तो 1 प्लस लॉग 4 बेस 25, लॉग 1 प्लस लॉग 4 बेस 25 लिख लीजिए, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 5 देखें, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे यहाँ यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। अब हमें प्रॉपर्टी नंबर हाई होने, जैसे हमने हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, एडिशन का। अब देखो यहाँ पे आप इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे डिवीजन का रूल से को बोलते हैं क्वेश्चन रूल, ठीक है ना। अब देखो जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी नंबर लॉग, ठीक है, लॉग बे यम बेस ए माइनस लॉग लॉग एन बेस ए इक्वल्स लॉग बेस ए यम डिवाइड बाय, ठीक है, मैंने क्या लिखा, देखो जैसे आपने लॉग एन बेस ए, लॉग एन बेस ए, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर क्या आएगा, देखो लॉग यम अपॉन एन इन बेस ए, ठीक है, लॉग यम अपॉन एन बेस ए। अब देखो सेम लॉग बेस ए यम इक्वल्स टू अल्फा, ए इक्वल्स टू सॉरी ए यम इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है ना, ए टू द पावर सेम, इसको आप इक्वेशन में रूम बोलिए। उसके बाद लॉग, ठीक है, यम बेस ए इक्वल्स बीटा, तो यहाँ पे अगर ए को इस साइड लेके जाएंगे आप तो यम इक्वल्स टू क्या होगा, देखो, ठीक है, यहाँ पे होगा ए बी टू द पावर बीटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर
ठीक है, यहाँ तक तो समझा ना। अब हमें क्या करना है, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, देखो अगर इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है तो मैं इनका, अब यहाँ पे क्या दिया है डिवाइड, यहाँ पे देखिए यम डिवाइड बाई यम इक्वल्स। अब आप मुझे बताइए यम यम क्या है, ए टू द पावर अपॉन ए टू द पावर बीटा। आप मुझे बताइए, आपको पता है, आपको पता है ना, क्योंकि देखिए इसकी आइडेंटिटी भी आपको पता है कि क्लास एट में हमारा हुआ, ठीक है ना, क्लास एट में हुआ। अगर सपोज देखो इन दोनों का बेस तो वैसे भी इक्वल है, पावर अलग है ना, तो अगर आप इसको सॉल्व अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो यम अपॉन यम इक्वल्स, ठीक है, यहाँ पे होगा ए टू द पावर, ध्यान दीजिए ए टू द पावर अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब आपको ए को इस साइड लेके आना है, जैसे यहाँ पे क्या होगा, देखो लॉग बेस ए, ठीक है, लॉग बेस ए यम अपॉन यम इक्वल्स अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करनी है, अल्फा की वैल्यू ये थी, जैसे यहाँ पे क्या होगा लॉग बेस यम डिवाइड बाय यम डिवाइड बाई यम इक्वल्स टू, ठीक है, अल्फा अगर बोलेंगे तो अल्फा अल्फा की वैल्यू क्या है, लॉग, ठीक है, लॉग टेन यम बेस ए, ठीक है, माइनस लॉग यम बेस ए, लिखो लिख लीजिए, ठीक है। अब और एक ये विद फिट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स ले लीजिए, ठीक है, इधर एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नहीं ज्यादा पर एक का तो ले सकते हैं। हो गया, ठीक है, लॉग, ठीक है, बेस देखो जैसे यहाँ पे लॉग बेस 25, ठीक है, लॉग बेस 25 100 माइनस लॉग 4 बेस 25। अब आप सॉल्व करो क्या होगा, मैंने इजी एग्जांपल ले लिया इधर में कि आपको जैसे प्रॉपर्टी समझाने के लिए मुझे सिर्फ लेना होता है। देखो जैसे यहाँ इन दोनों का बेस वैसे भी इक्वल है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बाय विन प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या है, देखो 100 डिवाइड बाय 4 बेस 25, देखो 100 अपॉन 4 कितना होता है 25, और बेस में भी क्या आएगा 20, बट 20 बाय 20 बाय कैंसिल आता है, आंसर क्या आएगा 1, लिख लीजिए, ठीक है। अब हमें लेना है प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है, हो गया, देख लीजिए, ठीक है, ठीक है, देखिए और एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, कभी भी ध्यान में रखिए ये जैसे हम हमारे जैसे आइडेंटिटी होगी, नंबर ऑफ आइडेंटिटी आपकी होने वाली है, ठीक है ना, आपको क्या करना है, एक सेपरेट बुक कर लीजिए, बड़ा बुक कर लीजिए, ठीक है, क्लास एट में जितनी आइडेंटिटी हुई वो लिख लीजिए, क्लास नाइन की भी लिख लीजिए, क्लास टेन की भी लिख लीजिए, फिर उसके बाद 11 और 12, ठीक है, इन सब की लिख के रखिए। रीज़न क्या है कि कभी भी हमें किसी भी आइडेंटिटी का यूज़ करना, तो हमें अगर याद रहे, आप अगर देखेंगे आपके पास बुक्स अगर बना के है, आप देखते जाएंगे और करते जाएंगे, प्रॉब्लम तो भी चलेगा, क्या होता है जितनी बार देखेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि लर्न होते रहेंगे, ठीक है। अलग से सेपरेटली अगर आपको करना है तो गलत नहीं, क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा बैठ जैसे न्यूमेरिकल लेते वक्त खत्म करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, हम आपको अच्छे से बताएंगे कि आप क्या करते हैं, ठीक है। अब लिखो, ठीक है, अब लिखिए लॉग, ठीक है, बेटा लॉग बेस सॉरी लॉग यम टू द पावर यम, ठीक है, बेस लॉग यम टू द पावर यम बेस ए इक्वल्स, ठीक है, यम इनटू लॉग यम बेस, ठीक है, इनटू लॉग यम इनटू बेस, ठीक है, बराबर है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ अब ये यहाँ पे हमें प्रूव करना है, ठीक है, अगर हमें प्रूव करना है सबसे पहले लॉग बेस यम टू द पावर, ठीक है, इक्वल्स टू मैं लेता हूँ
अब हमें क्या करना है, ये जो अल्फा ए है इसको आप इससे ट्रांसफर कर दीजिए। यहाँ पे क्या होगा देखो, अगर आपने अगर इसको इससे ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, एम टू द पावर एन इक्वल्स ए टू द पावर अल्फा, ठीक है। एम देखो ध्यान दीजिए, एम टू द पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर अल्फा, ठीक है। अब देखो, अब आप देखिए जैसे यहाँ यहाँ तक ठीक है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं देखिए, टेकिंग टेकिंग वन अपॉन एन टेकिंग पावर वन अपॉन एन ऑन बोथ साइड। अब आपको देखिए सर बोथ साइड क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि देखो एन को आपको सेपरेट रखना है ना, मैंने क्या किया देखो टेकिंग पावर ऑन वन अपॉन एन ऑन बोथ साइड अगर करूंगा तो यहाँ पे क्या बचा, एन इक्वल्स टू ए टू द पावर अल्फा अपॉन एन होगा ना, अल्फा अपॉन एन। अब आपको क्या करना है, इनिशियल में ये जो ए है इसको आप वापस लाइए, आप इस यहाँ पे क्या होगा देखो लॉग, ठीक है, यहाँ पे अगर इसको वापस लाएंगे लॉग एम बेस ए, लॉग एम बेस ए इक्वल्स अल्फा अपॉन एन इक्वल्स टू अल्फा अपॉन एन। अब आपको क्या करना है, एन को आप वापस लाएंगे, एन इक्वल्स टू क्या होगा देखो लॉग एम बेस ए इक्वल्स टू अल्फा। और आप मुझे बताइए, अभी आपने बताया अल्फा की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे क्या एन इक्वल्स टू लॉग एम बेस ए, लॉग एम बेस ए इक्वल्स टू, अब आप अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए, अब आपके पास अल्फा की वैल्यू है लॉग, ठीक है, एम टू द पावर एन बेस ए, लॉग एम टू द पावर एन बेस ए, लिखो, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, अब आप जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने, अभी लिया था एक एग्जांपल आपका, सेम वही एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, हो गया, देखो समझा आपको क्या होता है। देखो जो वेरिएबल भी है, ठीक है ना, कुछ अगर बुक्स अगर पढ़ेंगे आप तो बुक्स में अलग अलग वेरिएबल रहते, बट उनका क्या सॉरी उनको अगर सॉल्व करने के बाद अगर आपका जो आंसर निकलने वाला है वेरिएबल को, जैसे आप मैंने आपके वेरिएबल क्या लिए लॉग बेस ए एम टू द पावर एन, एम टू द पावर एन में रहते हुए एम टू द पावर के भी रह सकता है, एम टू द पावर एन के पास सॉरी एम टू द पावर आर रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, वेरिएबल है तो वेरिएबल आप कुछ भी रख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे वेरिएबल चेंज आएंगे बट आपका आंसर इक्वल रहेगा, ठीक है, ओके। अब देखो जैसे यहाँ पे इसके ऊपर का भी मैं इलस्ट्रेशन लेता हूँ, ठीक है, देखो क्या ध्यान दीजिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक मिनट क्लियर कीजिए को ना, ठीक है। अब देखो लॉग 25 बेस ए प्लस लॉग 4 बेस ए, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों का बेस तो वैसे भी इक्वल है, मैंने आपको एडिशन की प्रॉपर्टी बताई है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या है लॉग बेस ए 25 इंटू 4, अब क्या आएगा देखिए लॉग बेस ए 100, क्या आप बोल सकते हैं लॉग 100 बेस ए, ठीक है। अब ये जो 100 दिया है ये किसका स्क्वायर है, ये होता है 10 का स्क्वायर और बेस में आता है 100, मैंने अभी बताया लॉग बेस ए एम टू द पावर एन, ठीक है। अब ये तो पावर भी एन दिया है, इसको सामने लें तो सेम आप यहाँ पे भी सही कर सकते हैं, इसे यहाँ पे क्या है 2 लॉग, ठीक है, 10 बेस ए। आप मुझे बताइए, अब देखो ये दोनों वैल्यू वैसे भी इक्वल है, इसका आंसर क्या है ना 1। अब आपका आंसर आ गया 2 इन ब्रैकेट आंसर आ गया, ठीक है, लिख लीजिए। सेम देखो मैंने अभी इसके पहले एक एग्जांपल बताया, सेम वैसे ही एग्जांपल, क्योंकि देखिए हमने आइडेंटिटी जो अप्लाई की है वही हमने यहाँ पर सॉल्व किया। देखो लिख लीजिए, अब ठीक है ना, अब एक एग्जांपल लिखो, थोड़ा सा
अच्छा खासा ये ठीक है। आप लिख तो लो, आपको आइडिया रहे, ठीक है लिखिए। बेस में ए बी एंड सी, ठीक है बेस में लिखिए ए बी एंड सी, ठीक है प्लस वन प्लस लॉग, ठीक है यहाँ पे लिखिए ए सी, ठीक है बेस में लिखिए ए बी सी प्लस, ठीक है वन प्लस लॉग, ठीक है बेस में लिखिए सॉरी यहाँ पे लिखिए ए बी, बेस में लिखिए ए बी सी, ठीक है ए बी सी या और आपको ऐसे भी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। थ्री प्लस, ठीक है लॉग बेस ए बी से, बेस में क्या दिया ए बी सी, यहाँ पे क्या आएगा बी सी, ठीक है प्लस, ठीक है यहाँ पे देखो वन प्लस लॉग, यहाँ पे वन नहीं, वन तो नहीं है सिर्फ यहाँ पे लॉग, ठीक है लॉग ए बी सी और बेस में आपको देखा ए बी सी, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप ए सी, ठीक है प्लस लॉग ए बी सी, तो यहाँ पे लिखिए ए बी, ठीक है ये दोनों और करके देखो, ठीक है एग्जांपल इजी है। जैसे हमारे जो छह प्रॉपर्टी है उसके ऊपर से हमें सॉल्व, अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब कैसे कर सकते हैं आप, देखो जैसे आप किसी को भी सॉल्व करें, देखो इसको सॉल्व करें इसको सॉल्व करें, दोनों एक ही, बट आप मुझे बताइए, देखो जैसे आपको दिया था, ठीक है फाइंड करना है वन प्लस, ठीक है वन प्लस लॉग, ठीक है बेस में दिया है ए बी सी, ठीक है यहाँ पे लिया है बी सी, ठीक है एक बार ध्यान में लीजिए, ठीक है प्लस वन प्लस लॉग, बेस में आपको क्या दिया है देखिए, बेस में आपको दिया है, ठीक है अब देखो यहाँ पे बेस में आपको दिया है जैसे ये, ठीक है यहाँ पे ए बी सी, ठीक है ए बी सी और यहाँ पे लिखिए ए सी, ठीक है यहाँ पे क्या लिखेंगे आप ए सी प्लस, ठीक है वन प्लस लॉग, ठीक है अब आपको दिया है यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे आपको दिया है ए, ठीक है अब देखो अब हमें क्या करना है, वन प्लस वन ये होता है, ये तो अभी लिख के दिया है, ठीक है वन प्लस वन क्या होता है, ठीक है प्लस या अब देखो ऐसे यहाँ पे बेस में क्या दिया ए बी सी ए बी सी ए बी सी, बट अगर सपोज आपको इसको सॉल्व अगर करना है ध्यान दीजिए, सब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देख जैसे हाँ वन वन प्लस वन थ्री, ठीक है प्लस, ठीक है अब देखो आप मुझे बताइए सबको इन तीनों का बेस इक्वल, इन तीनों का बेस क्या है इक्वल है, अगर बेस इक्वल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग, ठीक है बी सी इंटू ए सी इंटू ए बी, ठीक है और यहाँ पे बेस में आपका क्या आएगा ए बी सी, बी देखो बी सी इंटू ए सी इंटू ए बी होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बेस में आएगा ए बी सी, ठीक है अब आपको क्या करना है ए इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आवा देखो लॉग ए बी सी ब्रैकेट स्क्वायर और यहाँ पे बेस में भी क्या आएगा पता है क्या, बेस में भी आपकी वैल्यू आएगी ए बी सी, ठीक है तो यहाँ पे आप ऐसे लिखिए, ठीक है अब आपका क्या होगा देखो बेस वैल्यू ये दो तीनों वैल्यू अगर आपकी वैल्यू तीनों इक्वल है तो यहाँ पे क्या होगा टू सामने इसे आप देखो थ्री प्लस
देखो ध्यान दीजिए, सपोज लॉग ए बी सी ब्रैकेट्स में रहा और लॉग ए बी सी ब्रैकेट्स में रहा, तो इसमें डिफरेंस है, ठीक है ना, इसमें क्या है डिफरेंस है, इसको नहीं सॉल्व, इसको सॉल्व नहीं कर सकते यार, पर इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है, सामने में बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, यूजिंग प्रॉपर्टी, लास्ट वाली प्रॉपर्टी थी, इस यहाँ पे क्या हो गया टू, सामने आया मैंने यहाँ पे टू लॉग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेस ए बी सी, तो यहाँ जो कि ए बी सी, अब लॉग बेस ए बी सी, ए बी सी का आंसर, इस अब आपका आंसर क्या है थ्री प्लस टू, आपका आंसर आ गया, लिखो लिख लीजिए, ठीक है। प्रॉपर्टी हमारी कितनी हो गई है, सिक्स प्रॉपर्टी में, ठीक है, वैसे और एक प्रॉपर्टी ली नहीं, ठीक है ना, चेन बेस की, बट कैसे टाइम कम होने की वजह से, देखो कैसे चेन बेस, देन उसके बाद हमें और एक प्रॉपर्टी लेनी है एक्सपोनेंट फॉर्म की, ठीक है, वैसे हमारे टोटल प्रॉपर्टी एट हो जाएगी, ठीक है ना, आपको एट प्रॉपर्टी के ऊपर से नंबर ऑफ एग्जाम्पल हमें सॉल्व करें, क्योंकि देखिए बाकी जो प्रॉपर्टी है ना उसी के ऊपर से बनती है, ठीक है। और ये जो लॉग है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए हर एक इसमें लॉग का काम है, हमें अब समझ में नहीं आता है, बट अगर जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री में देखेंगे तो आपको लॉग का समझ में आ जाएगा, जिनका मैथ है उनको तो लॉग है, क्योंकि बेसिक में लॉग रहता ही है, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन आपको लॉग के ऊपर से सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए मुझे लॉग पढ़ना, ठीक है। और क्योंकि देखो यहाँ पे अभी कंबाइंड क्लास रहेगा, क्या होता है जिनका पी सी एम है जिनका पी सी बी है उन सभी का कंबाइन क्लास रहेगा, इसमें हमें लॉग के रूल पता है, लॉग की प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी, सॉरी हमारी सिक्स प्रॉपर्टी होती है, और दो कल प्रॉपर्टी लेंगे, उसके बाद हम नंबर ऑफ एग्जांपल लेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। और उसके बाद हम लॉग टेबल के भी एग्जाम्पल लेने वाले हैं, पर लॉग टेबल के वक्त हम सबसे पहले आपको बताएंगे एक दिन इस पहले कि सर लॉग टेबल पता है, वैसा आप ऐसा भी कर सकते हैं लॉग टेबल ले लीजिए, क्योंकि लॉग का आपको काम है ही, ठीक है ना, इसलिए आप लॉग टेबल रखिए, लेके आपको काम में आएगा, क्या है लॉग टेबल जैसे 25-30 रुपए का है, ज़्यादा मत ले लीजिए, ठीक है ना, ज़्यादा मत ले लीजिए, नहीं तो फिर आप ले लेंगे 2000-3000 लॉग टेबल बोला तो लॉग टेबल मीन टेबल बहुत बड़ा टेबल नहीं है, ठीक है, लॉग टेबल एक बुक्स है, ठीक है, उसमें नंबर आप फार्मूले रहेंगे और आपको बहुत काम में आने वाला है, ठीक है, ले लीजिए 30 रुपये लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए घर से, ओके, ठीक है, क्योंकि उसी इसमें उसी रेंज में आपका मिल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, बाकी हम कंटिन्यू कल करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।